देते बोले परीक्षित महाराज ईश्वर कथा पचारिले उत्ति तापरे ईश्वर कथा अर्थ भगवान को विभिन्न अवतार कथा एवं तापरे प्रेमी भक्त संत मान को नाना आख्यान दत्त गाथा को ईशान कथा को आज ईश्वर कथा जाकी जगत कल्याण साधु संत मान को परंपरा क्रम आपण देखिले गोड़िया वैष्णव को परंपरा वैष्णव मान के मध्य रे मोबाइल देखिबे इस्कन किबा गोड़िया वैष्णव परंपरा से माने तले कथा करन से माने सब बेले कौन कहे ना ताकर सब साधु वर्ग मान से साधु मान को बाणी को लेके से कथा कहे टीका को लेके साधु मान को टीका को लेके से कथा कहे कारण से सीमिति साधु मान को अशेष कृपा पाइतरे जा कहि ईश्वर कथा कादे तापर हेले निरत और तो भगवान जगनी छड़े शयन कला बले सकल जीवक तथा सब शक्ति को निज भीतर ही लीन कर भीतर भगवान जगनी छड़े शयन करती सत्य बड़े समस्त कर तो आम समस्त को भीतर शक्ति अछि किछि भगवान हमको शक्ति जे सत्ता के दे तो तेले भगवान जोगणी तरे सयन कर सत्य बड़े आम समस्त शक्ति को आ सत्ता को हरण कर दंती या को निरोध कर ता पर असल मुक्ति मुक्ति अर्थ कोन मुक्ति अर्थ कि संसार बंधन रो मुक्ति पाइबा आ किछि हमर लोडा नाही धन जन पद मान सम्मान धनर आवश्यक नाही कि कौनसी जिनस आवश्यकता नाही केवल कौन आवश्यक ना लोड़ा नाही धन जन पद मान सम्मान लोड़ा धन जन पद मान कौशल भगवान की तो कौशल राज किशोर भाबुछ कि मते पर लोड़ा नाही धन जन पद मान सम्मान मोर धन जन रो किछि आवश्यक नाही केवल पाद तले रहुथि पाद तले भक्तिंकर कौशल राज किशोर भाबु छकि मते पर कौशल राज किशोर बोल भक्त वस्त्र भगवान जय मतलब पाद तले रहुति होइण तुम्भ किंकर तुम किंकर तमर भृत्य होई तमर चातक होई मो जीवन को अतिवाहित करती तई हेले मुक्ति तापर आसले आश्रय आश्रय कोन ना तांकरी पाद पद्म रे आश्रय नै तांक पद पद पाद पद्म रे आश्रय नै आ आपन कर चिंता केछि ना चिंता सब तांकर थोर थोर गोटे जागा हमर होतला संबलपुर रे प्रवचन होतला संबलपुर प्रवचन देला होतला जंगले जागा से ओ लोक आसी कोइला मु आ पहुंच कहली कहीं ना सरु जीव प्रसाद पाई कहली ना जंगलिया जगह काले को हब हो बागो बालू आसी खाई दिए मते असुविधा रे पड़ी पड़ो कहली ना रुह सले जीव हडु गोला परे सोला ओळ को प्रवचन हे गला 11 से तो बहुत सब तो मु अदिया प्रवचन दे ठाकुर केशव चंद्र को सत्य कथा अदिया प्रवचन दे दिली हला से 11 टा लाल को से अपेक्षा करचो कले कोडा आपन मते दत अध्य भलो पांदी कोडा बड बाजे लोक मु कहि कोन पे ना ओडे मु जाई थांती मु तो सुनिले जाई थांती ओडे 11 बंद मत रक्षा करे ना मु कोन करबी मोर पुरी काल सकल मोर चाकी रे छु मु जीवी कोन करबी ना मते कोन दुना बड जगले मु जीवी हटू मु कहली किथि व्यस्त होवार नाही
आपन चिंता करंतु जे मु सत्संग रछि माने सत सहित संग करछ माने सत्यम पुरुष ही आपनकर सब करे आपन तो सत्संग को आछन ना भगवान कर कथा सुनछन ना भगवान कर काम करछन ना आ भगवान को काम आपन करछन माने प्रभु कोन छा को आपन काम करिवे निश्चय राति तले हला निकट रात्रि रे बड़ जंगल खाली लिखाई थी हाथी चला जी देखियो से एकत्र डरि के पूरा थाके आइ जे हाथी चला पुते पूरा हाथी सु जाउ छथि तो बड़ असुविधा हो तथापि इते राति रे खापुर खाइले को ना खाइ के जीव बारडा पछे को हो गोटे हो खाइ के जीव खाइले खाइ के पुनि कोले कोले ठाकुर को काम तमे करिया पे आस्त मन चिंता नाही तमर से सब किछ करिवे जदी आमे तांको पद पद मर आश्रय ले जीवा ताले आमर औ किछ आमो संसार पति की चिंता नाही सब चीज से तांको मु करे केमिति आमो संसार चलिबो केमिति आमे सुख रे वातावरण करिवा सब चीज तांको ऊपर सब हेड तांको ऊपर आम ऊपर किछ आउ हेड तो तांको पद पद मर खाली आश्रय ले कारण सी तो अछंती ना सी थाउ थाउ आमे आहु कहा पद पद मर आश्रय नबा जोटी अखिल ब्रह्मांड नायक अछंती आमे कहा पद मर आश्रय नबा कारण महा बाहु अखिल ब्रह्मांड नाथ अखिल लोटाई भी मोर माथ महाबाहू लोटाई भी मोर माथ महाबाहू लोटाई भी मोर माथ महाबाहू लोटाई भी मोर माथ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय तो जोटि अखिल ब्रह्मांड अधिशेष अखिल ब्रह्मांड पति भक्त प्राण संपत्ति जोटि अछति आ ताको पाद पद पद आश्रय नने आ कोठ के जीवा कोठ रे मोटा लोटा प्रणाम करबा सेई ताको पाद पद पद आश्रय तो श्रीमद भागवत दस लक्षण श्रीमद्भागवत कथ परीक्षित महाराज एवं भगवान कृष्ण शोभागमन कर समय से उपनीत द्वापर युगर कथा भागवत कही माने उद्धव जी भगवान कृष्ण को निकट रे पहुंच कहले जे प्रभु आपण सदाम गमन करिवे किंतु आपण को समस्त शक्ति सामर्थ्य का मैं अनुभव करिवे केमिति भगवान उद्धव कहले मु मोर शक्ति सामर्थ्य को गोटे शास्त्र देखि जाउचे कोन से शास्त्र ना निर्मल भागवत वाणी सुनी तरंती बहु प्राणी ई भागवत रे मोर समस्त शक्ति सामर्थ्य को दे जाउची बोले भक्त वस्त्र भगवान की जय आपण को करे भागवत अछति माने साक्षात ब्रह्मा माने ब्रह्म अछति केमिति अछति कारण की कहथिबे घरे आज बसि शब्द बंद करि जदि को मां को बाबा माने कहथन जे भागवत बही टिके ने ई भागवत कोन भागवत कोन साधारण बही तो भागवत को बहु कहि जदि भागवत साधारण बही नुए भागवत की ना ग्रंथ रूपे जनार्दन भागवत साक्षात ग्रंथ समस्त शक्ति सामर्थ्य कृष्ण कर भागवत रे ई अछि ई भागवत को सब दिन अध्ययन करबा आरंभ करंतु ई सात दिन परे प्रत्येक दिन समय समर पढंतु सम माने सकाळ संध्या दिबडा हले चलिबो गोटे बडा हले चलिबो गोटे अध्याय आपण को केमिति मोर तो समय नाही मोर सकाळ ड्यूटी रात्रि ड्यूटी दिपहर ड्यूटी सब बळ मोर ड्यूटी
आमु कोन करबी ताहाले ड्यूटी करिया पे समय अछि कितु ड्यूटी करिया पे आमके मनुष्य देह मिले ना मनुष्य देह मिले छि काई की ना केवल भगवत भजन करिया पाई केवल जदि आमे भगवत भजन करबा भजन रो व्यवस्था से कर देबे कितु भजन करबे जदि कहबो चार आज भोजित अछि गाने प्रवचन सत्य कहउछि प्रसाद सेवन व्यवस्था अछि जदि कहबो आज से पूरा बढ़िया है मटन चल खाइ दे गेसिया इटि कोन खलियो दिया खाइ दे गेसिया ओ गोटे दिन कथा त खाइया आज खाली गोटे दिन खाइ दे किंतु जदि कहबो भोजन टी कर मटन खाइया गने भोजि अछि कहले पूरा आगे ई चालो से माने भोजि थिबो राती 9टा बेल को से 6टा बेल को पेंट साडी पेंदि घरे बसथि केतल भोजि हो किंतु जदि कहबो जानी ससमरे भोजन करिया तोर कायड कर के रहू जो पण मोर पाठ छोड़ पढ़ू जी मोर ड्यूटी अछि करू छी ना जदि कहबो जाडी के भोजन कर दे कि भजिट अछि ना होठी कछु से पेंसर आगुरा पिंदी थाए केतल तोर पड़े मु जानि परबे ने काले खाली थी पड़े हो सेथे भोजन माने भोजिया राल को पूरा आगे प्रथय माने अथय कितु भोजन कोला को केई अथय माने कि पागल न होनती सब बड़े भोजन रे पागल ही हमको भाग पड़ी भोजन रे सब बड़े पागल होवा कोई पड़ी